काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम की ये वीडियो डेबिट नोट वाउचर में जीएसटी के साथ किए जाने वाले कुछ मुख्य ट्रांजैक्शंस के बारे में है। इस वीडियो को हम तीन भागों में बना रहे हैं। पहले भाग में हम आपको दो ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताएंगे जिनमें डेबिट नोट वाउचर बनाए जाते हैं। पहली परिस्थिति है जब खरीदा हुआ माल वापस करना हो, यानी परचेस रिटर्न करना हो, और दूसरी स्थिति जब खरीदे हुए माल की क्वालिटी अच्छी ना हो और हमें सप्लायर को माल वापस ना करते हुए माल पर कुछ डिस्काउंट लेना हो। तो सबसे पहले देखते हैं खरीदे हुए माल को वापस करना, यानी डेबिट नोट वाउचर का उपयोग करते हुए परचेस रिटर्न की एंट्री करना। हमने वीडियो नंबर 32, जो कि डेबिट नोट की बेसिक वीडियो है, उसमें आपको बताया था कि जब कस्टमर द्वारा किसी भी कारण से, जैसे माल खराब हो, जिस क्वालिटी के माल का ऑर्डर दिया था वैसा माल ना हो, या अन्य किसी कारण से खरीदा हुआ माल पूरा या आंशिक रूप से सप्लायर को वापस कर दिया जाता है, तो कस्टमर के लिए ये परचेस रिटर्न कहलाता है। और इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कस्टमर द्वारा डेबिट नोट वाउचर का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें, हम जो माल वापस कर रहे हैं उसे परचेज में से कम किया जाता है, और ऐसा करने के लिए परचेज रिटर्न का लेजर बनाया जाता है, और ये लेजर परचेज अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत बनाया जाता है। अब सवाल ये है कि जब हम डेबिट नोट की वीडियो पहले ही बना चुके हैं, तो फिर से ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले वाली वीडियो बेसिक लेवल की थी और बगैर जीएसटी की थी, पर अब लगभग सभी स्थानों पर जीएसटी के साथ ही माल का क्रय विक्रय होता है, और पिछली चार वीडियोस में हम जीएसटी के साथ क्रय विक्रय करना सिखा चुके हैं। ये वीडियो भी उसी कड़ी का हिस्सा है, इसमें हम जीएसटी के साथ डेबिट नोट बनाना सिखा रहे हैं। ध्यान रखें, अभी हम जो माल खरीद रहे हैं वो जीएसटी लगाकर खरीद रहे हैं, तो जब हम माल वापस करेंगे तो जीएसटी लगाकर ही वापस करेंगे। यानी अब हम जो डेबिट नोट बना रहे हैं उसका प्रभाव हमारी जीएसटी की परचेज रिपोर्ट, जो कि जीएसटी R2 में दिखाई पड़ती है, उस पर भी पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान होगा कि हमने वीडियो नंबर 77 में सुरेश ट्रेडर्स से 1 अप्रैल 2021 को 10,000 रुपए प्रति नग के भाव से 5 नग मॉनिटर उधार खरीदे थे, जिसका बिल नंबर 2 है। उसमें से एक मॉनिटर खराब निकल गया, वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो हम 2 अप्रैल को डेबिट नोट वाउचर बनाकर उसे सप्लायर को वापस कर रहे हैं, यानी परचेज रिटर्न कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि डेबिट नोट वाउचर में इसकी एंट्री किस प्रकार करेंगे। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। अकाउंटिंग वाउचर के लिए वी प्रेस करें। अब डेबिट नोट वाउचर के लिए ऑल्टर और F5 कीज प्रेस करें। यहां देखिए, डेबिट नोट वाउचर ओपन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि डेबिट नोट वाउचर अभी एक्टिवेट नहीं है। इसे एक्टिवेट करने के लिए हमें अदर वाउचर्स पर जाना होगा, उसके लिए F10 प्रेस करेंगे। F10 प्रेस करते ही यहाँ लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप दिखाई पड़ेगी। यहाँ से शो इनएक्टिव पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, ऐसा करते ही सभी प्रकार के वाउचर टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जो ऑप्शंस बंद हैं वो धुंधले दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनमें से आप जो ऑप्शन चालू करना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। हम डेबिट नोट पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, ये इस तरह का मैसेज आया है जिसमें लिखा है आपको डेबिट नोट वाउचर टाइप एक्टिवेट करने की जरूरत है। क्या अभी एक्टिवेट करें? अभी एक्टिवेट करने के लिए यस पर क्लिक करें। हम यस के लिए एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसा करते ही डेबिट नोट वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ रही है। डेट चेंज करने के लिए F2 की प्रेस करेंगे। यहाँ हम वो तारीख डालेंगे जिस तारीख में हम माल वापस कर रहे हैं। यहाँ पार्टी अकाउंट नेम सिलेक्ट करने के पहले एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें कि हमने जो माल खरीदा था जिसमें से हम पूरा या आंशिक रूप से माल वापस कर रहे हैं, यदि उसका पेमेंट हम सप्लायर को कर चुके हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि यदि सप्लायर गुड्स रिटर्न के साथ ही हमें उस माल का पेमेंट
कैश या चेक से हाथों हाथ कर देता है, तो फिर हम पार्टी अकाउंट नेम में सप्लायर के नाम की जगह उसने हमें जिस तरह से पेमेंट किया है उसका लेजर। जैसे यदि सप्लायर ने कैश पेमेंट किया है तो कैश अकाउंट, और यदि सप्लायर ने हाथों हाथ चेक दे दिया है तो उस बैंक का अकाउंट सेलेक्ट करना होगा जिसमें हम उसका दिया हुआ चेक डिपॉजिट करने वाले हैं। और यदि सप्लायर हाथों हाथ पेमेंट नहीं करता है तो हमें सप्लायर का लेजर सिलेक्ट करना होगा। चूंकि हमने जो माल खरीदा था अभी तक हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो इन बातों का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, बस आप भविष्य के लिए ये ध्यान रखें। अभी हम सप्लायर सुरेश ट्रेडर्स का लेजर सिलेक्ट कर रहे हैं। पार्टी अकाउंट नेम सिलेक्ट करते ही डिस्पैच डिटेल्स की विंडो आएगी। इसमें हम जिस तरह से माल वापस कर रहे हैं उसकी डिटेल्स देना है। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ नीचे ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स में ओरिजिनल इनवॉइस नंबर के आगे हमें सप्लायर का वो बिल नंबर टाइप करना है जिस बिल का माल हम वापस कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर उस बिल की तारीख टाइप करें। अब एंटर प्रेस करें। ये देखिए पार्टी डिटेल्स वाली विंडो आ रही है। यदि आपको यहाँ कोई चेंजेस करना हो तो कर लें, हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, इसलिए हम कंट्रोल और ए प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। हम माल वापस यानी परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ लेजर अकाउंट में हमें परचेज रिटर्न का लेजर सिलेक्ट करना होगा जो कि अभी बना हुआ नहीं है। इसे बनाने के लिए ऑल्टर और सी प्रेस करेंगे। अब यहाँ नेम में टाइप करें परचेज रिटर्न। अंडर में परचेज अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। अब इस स्क्रीन को सेव कर लेते हैं। हम नेम ऑफ आइटम पर आ गए हैं। यहाँ हमें वो आइटम सिलेक्ट करना होगा जो हम वापस कर रहे हैं। यहाँ पर जितनी क्वांटिटी में माल वापस कर रहे हैं वो टाइप करेंगे। हमने मॉनिटर जिस भाव में खरीदा था यहाँ पर वही रेट टाइप करना है। यदि हम एक से ज्यादा आइटम वापस कर रहे होते तो उन्हें भी इसी तरह से यहाँ सेलेक्ट कर लेते। हम और कोई आइटम वापस नहीं कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ एंड ऑफ लिस्ट आ रहा है। हम बैक स्पेस की प्रेस कर रहे हैं और लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में से IGST सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये माल कानपुर के व्यापारी से खरीदा था और खरीदते वक्त हमने IGST पे किया था, तो माल वापस करते वक्त भी हम IGST ही लगाएंगे। ध्यान रखें यदि हमने माल अपने प्रदेश के अंदर से खरीदा होता तो हम उसे वापस करते वक्त यहाँ पर CGST और SGST लगाते। ये देखिए यहाँ पर IGST का अमाउंट 1800 रुपए आ गया है। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ प्रोवाइड GST डिटेल्स के आगे यस सिलेक्ट करना होगा। ऐसा करते ही यहाँ हमसे रीजन पूछा जा रहा है। हम सेल्स रिटर्न सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ सप्लायर्स डेबिट क्रेडिट नोट नंबर और डेट ब्लैंक रहने दें। जब सप्लायर को माल प्राप्त होगा और वो हमें इसका क्रेडिट नोट देगा तब हम अपने वाउचर को एडिट करके यहाँ सप्लायर का क्रेडिट नोट नंबर और यहाँ पर डेट डाल देंगे। ध्यान रखें जब कोई कस्टमर डेबिट नोट इशू करता है तो सप्लायर उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू करता है, और यहाँ भी हम डेबिट नोट बना रहे हैं तो सप्लायर उसके अगेंस्ट हमें क्रेडिट नोट बना करके देगा। इसे हम डिटेल में क्रेडिट नोट वाली वीडियो में समझाएंगे। हम एंटरप्राइज करते हुए मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पर आ गए हैं। यहाँ हमें अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करना होगा। पेंडिंग बिल्स में सिर्फ वही बिल दिखाई पड़ रहा है जिसका माल हम वापस कर रहे हैं, इसे सिलेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर नरेशन टाइप करके अब इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। अब GSTR2 में जाकर इसका इफेक्ट देख लेते हैं। उसके लिए हम ऑल्टर और जी कीज को प्रेस कर रहे हैं। अब सर्च बार में GST टाइप करेंगे और यहाँ GSTR2 सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्रेडिट
ऑब्लिक डेबिट नोट्स रेगुलर में 10,000 माइनस हो रहा है और ITC अवेलेबल भी 1,800 माइनस हो रहा है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि गुड्स के साथ टैक्स भी माइनस हो गया है। चलिए अब हम स्टॉक समरी भी देख लेते हैं। ये देखिए, हमने सुरेश ट्रेडर्स को एक मॉनिटर वापस कर दिया है, इसलिए वो यहाँ पर माइनस में दिखाई पड़ रहा है। अब हम पार्टी का लेजर देख लेते हैं। ये देखिए, सुरेश ट्रेडर्स के लेजर में हमने जो माल वापस किया है उसके 11,800 रुपए डेबिट हो गए हैं। अब हम देखते हैं वो दूसरी परिस्थिति जिसमें डेबिट नोट बनाया जाता है। जब हम कोई माल खरीदते हैं और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो हम सप्लायर को माल में क्या शिकायत है ये बताते हैं और माल वापस ना करते हुए उससे माल पर कुछ डिस्काउंट देने के लिए कहते हैं। सप्लायर उस शिकायत से सहमत होकर भरपाई के रूप में कस्टमर को कुछ छूट देने की सहमति प्रदान करता है, तो इस तरह की छूट की राशि को भी कस्टमर द्वारा डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। ध्यान रखें, इस तरह के ट्रांजेक्शन से माल की क्वांटिटी कम नहीं होती, इससे सिर्फ माल की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है। इसे अच्छे से समझने के लिए पहले हम एक परचेस की एंट्री कर लेते हैं। यहाँ हमने सुधाकर ट्रेडर्स से दो आइटम्स खरीदे हैं। पहला 10,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से 5 नग प्रिंटर्स और दूसरा 5,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से 3 सिलाई मशीन। इसमें हमने प्रिंटर पर 18% GST और सिलाई मशीन पर 12% GST चुकाया है। आइए परचेज वाउचर में इसकी एंट्री कर लेते हैं। हमारे पास स्टॉक आइटम सिलाई मशीन बना हुआ नहीं है, तो पहले इसे बना लेते हैं। GST के साथ स्टॉक आइटम्स कैसे बनाते हैं ये हम आपको अपनी वीडियो नंबर 76 में डिटेल में बता चुके हैं। ध्यान रखें, इसके पहले हमने जितने भी स्टॉक आइटम्स बनाए थे वो सभी 18% वाले थे और ये 12% वाला है, तो इंटीग्रेटेड टैक्स में हम 12% टाइप करेंगे। आइए अब इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। हमें जैसे ही माल प्राप्त हुआ हमने उसे चेक किया। चेक करने पर मालूम पड़ा कि सप्लायर ने माल जिस क्वालिटी का बताया था वैसा नहीं है। हमने इस बारे में सप्लायर सुधाकर ट्रेडर से बात की कि आपने जो माल भेजा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम माल तो वापस नहीं कर रहे हैं पर इस माल पर हम कुछ डिस्काउंट चाहते हैं। सप्लायर ने 300 रुपए प्रति प्रिंटर के हिसाब से 5 प्रिंटर पर 1,500 रुपए और 200 रुपए प्रति मशीन के हिसाब से 3 सिलाई मशीन पर 600 रुपए डिस्काउंट देने के लिए सहमति प्रदान की। आइए हम इस डिस्काउंट की एंट्री डेबिट नोट वाउचर में कर लेते हैं। डेबिट नोट वाउचर के लिए या तो अल्टर और F5 प्रेस करें या फिर यहाँ क्लिक करें और यहाँ डेबिट नोट पर क्लिक करें। ये देखिए, डेबिट नोट वाउचर क्रिएशन विंडो आ रही है। सबसे पहले वाउचर की डेट चेक करेंगे, यदि सही है तो ठीक और यदि गलत है तो ठीक कर लेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में हम पार्टी का नाम सुधाकर ट्रेडर्स सिलेक्ट करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम सिलेक्ट करते ही डिस्पैच डिटेल्स की विंडो आएगी। इसे हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं क्योंकि हम कोई माल वापस नहीं कर रहे हैं। एंटरप्राइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ नीचे ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स में ओरिजिनल इनवॉइस नंबर के आगे हमें सप्लायर का वो बिल नंबर टाइप करना है
जिस बिल के माल पर सप्लायर ने हमें डिस्काउंट देने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके बाद यहाँ उस बिल की तारीख टाइप करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए पार्टी डिटेल्स वाली विंडो आ रही है, हम कंट्रोल और ए प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। लेजर अकाउंट में हमें एक नया लेजर डिस्काउंट ऑन परचेस के नाम से क्रिएट करना होगा। अंडर में हम परचेस अकाउंट्स ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है उससे हमारा खरीद मूल्य कम होने वाला है, यानी इसका प्रभाव सीधे परचेस पर पड़ने वाला है। अब नेम ऑफ आइटम में प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी को ब्लैंक ही रहने देंगे क्योंकि हम कोई माल वापस नहीं कर रहे हैं। चूंकि हमें 5 प्रिंटर्स पर 300 रुपए प्रति प्रिंटर के हिसाब से 1500 रुपए डिस्काउंट प्राप्त हुआ है, इसलिए अमाउंट में 1500 टाइप कर रहे हैं। अब दूसरा आइटम सोइंग मशीन सिलेक्ट कर रहे हैं, यहां भी हम क्वांटिटी को ब्लैंक ही रहने देंगे, अमाउंट में 600 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए हमें प्रिंटर और सोइंग मशीन पर जो डिस्काउंट मिला है वो हमने टाइप कर दिया है। अब हमें इनकी टैक्स की वैल्यू भी कम करना होगी। ध्यान दें, ये माल हमने अपने ही राज्य से खरीदा था और खरीदते समय CGST और SGST चुकाया था, इसलिए ये दोनों टैक्स ही यहाँ हमें कम करना होंगे। हम CGST और SGST के लेजर सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए CGST 171 रुपए और SGST 171 रुपए आ रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि दोनों आइटम अलग अलग टैक्स रेट के हैं, तो टैक्स किस तरह से कैलकुलेट हुआ है? तो उसके लिए हम ऑल्टर और ए की इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारे सामने टैक्स एनालिसिस की विंडो आ रही है। अब इसका डिटेल्ड व्यू देखने के लिए ऑल्टर और F5 प्रेस करें। ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि कौन सा आइटम किस टैक्स रेट का है और उस पर कितना टैक्स बना है। जब हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहाँ प्रोवाइड GST डिटेल्स के आगे यस सिलेक्ट करना होगा। ऐसा करते ही यहाँ हमसे रीजन पूछा जा रहा है, हम अदर सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ सप्लायर्स डेबिट/क्रेडिट नोट नंबर के आगे यदि हमें सप्लायर ने क्रेडिट नोट दे दिया है तो उसका नंबर डाल देंगे, और यदि क्रेडिट नोट नहीं दिया है तो अभी इन्हें ब्लैंक ही रहने देंगे। जब सप्लायर हमें इसका क्रेडिट नोट देगा तब हम अपने इस वाउचर को एडिट करके यहाँ सप्लायर का क्रेडिट नोट नंबर और यहाँ पर डेट डाल देंगे। यहाँ मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है, ये सही है इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हमें वो बिल सिलेक्ट करना है जिस पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहाँ नरेशन टाइप करेंगे, अब इस एंट्री को सेव कर देंगे। अब हम स्टॉक समरी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर डिस्काउंट तो दिखाई पड़ रहा है जिससे माल का मूल्य कम हो गया है, पर क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। आइए अब हम इसकी रिपोर्ट GSTR2 में जाकर देख लेते हैं। ये देखिए इस डेबिट नोट को बनाने से परचेस की वैल्यू कम हो गई है और यही कारण है कि हमें जो ITC मिल रही थी वो भी कम हो गई है। तो दोस्तों, डेबिट नोट के इस पहले पार्ट में हमने आपको डेबिट नोट के 2 मुख्य ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको डेबिट नोट के अन्य महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शंस के बारे में बताएंगे।